कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी के खिलाफ हुए फैसले को लेकर सत्याग्रह शुरू हो गया है। रीवा के विवेकानंद पार्क में विरोध प्रदर्शन शुरू है। सांसद राहुल गांधी के खिलाफ न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा सुनाई, जिसके बाद लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। विरोध में कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के आह्वान पर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रविवार को रीवा कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विवेकानंद पार्क में सत्याग्रह शुरू हो गया है। आयोजित सत्याग्रह के संबंध में कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हम सभी को मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करना है। आगामी राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र शर्मा और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने क्या कहा। इंडिया कांग्रेस कमेटी का कल हमारे पास निर्णय आया और हम लोगों ने तय किया कि यहाँ बैठ के हम लोग एक सत्याग्रह आरम्भ करेंगे, धरना देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश हमारे पास आ चुका था कि कल दिनांक 27 तारीख से सभी जिला मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन और धरने करने। इसी तारतम्य में एक निर्णय ये भी हुआ है कि कल राजीव गांधी जी की प्रतिमा के समीप एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। संकट की घड़ी है, आप लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय भी है और अनिवार्य भी है। कांग्रेस पार्टी पे नहीं, देश के लोकतंत्र पे खतरा है, इसलिए हम सभी लोगों को सारे काम अपने छोड़ के इस संघर्ष में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान का साथ देना चाहिए। और बीच बीच में हमारे वरिष्ठ नेताओं के संबोधन होते रहेंगे, पर हम लोग चाहते हैं कि अब ये सत्याग्रह का कार्यक्रम, ये धरने का कार्यक्रम आरंभ किया जाए। आज के धरने में कांग्रेस पार्टी बैठी है, ये तो जग जाहिर है कि मोदी जी तानाशाही तरीके से पूरे लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को ख़त्म करना चाहते हैं, और इसी वजह से राहुल गांधी को पार्टी से निकालने का काम किया, इससे सदस्यता उनकी समाप्त करने का प्रयास किया गया है। और ये पहली बार हो रहा है कि बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी संवैधानिक व्यवस्था से उन्होंने बौखला करके जब देखा भी तो कहते कि राहुल गांधी कुछ है ही नहीं है, पप्पू हैं, तरह तरह की बातें करते थे, मजाक की बातें करते थे। लेकिन राहुल गांधी ने घर से बाहर निकल करके ये बता दिया कि राहुल गांधी के साथ सारा देश है, सारा समाज है, हर वर्ग के लोग हैं। इससे बौखला गए मोदी जी, और मोदी जी को लगा कि एक विकल्प इस भारत में बन गया जो हमारे लिए चुनौती हो सकता है। इस वजह से तानाशाही तरीके से उनके सदस्यता समाप्त करने का षड्यंत्र किया है, जो ये राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये देश के जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, प्रजातंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। इसके खिलाफ धरना में दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जाएगा, हर तरीके से विरोध किया जाएगा। एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया जिसमें लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, और ये दूसरा ये गांधी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कुर्बानी दे रहा है, संघर्ष कर रहा है। आज सारा देश उसके साथ में है, मोदी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ये कब तक चलेगा आप लोगों का धरना? जब तक माने न्याय की लड़ाई है, अनवरत होती है, जब तक माने न्याय नहीं मिलेगा, प्रजा मोदी को हटा नहीं देंगे 24 तक, तब तक ये धरना चलेगा, विरोध चलेगा, प्रदर्शन चलेगा। बिल्कुल रास्ते के गांधी पर हमेशा कांग्रेस चलती रही है। राहुल गांधी जी के पास आगे क्या रास्ते बचे? रास्ता बता रहे कि सत्ता और सदस्यता रास्ता नहीं होता है, रास्ता होता है संघर्ष देश के लिए, समाज के लिए, संविधान के लिए, वो कांग्रेस पार्टी कर रही राहुल जी के नेतृत्व में। देखिए, जैसा कि सभी को विदित है कि राहुल गांधी जी की जिस तरीके से आनन फानन में लोकसभा से सदस्यता समाप्त की गई, उसके विरोध में हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे ये धरना कार्यक्रम पूरे देश में आज से आरंभ किया जा रहा है। ये धरना आज भी होगा, कल भी हमारा प्रदर्शन है। आप लोग जानते हैं राहुल गांधी जी ने अभी देश में संविधान की रक्षा और देश में भाईचारे की भावना के प्रचार प्रसार के लिए जिस तरीके से उन्होंने नफरत के वातावरण को नष्ट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की, इसके बाद जब वो संसद में आए तो उन्होंने अडानी ग्रुप के भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित कराया और एक प्रश्न पूछा
कि अडानी जी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए जो लगा है वो किसका लगा हुआ? सरकार ये जवाब देना नहीं चाहती थी, सरकार इस जवाब से बौखला गई। और जिस तरीके से उनका संघर्ष दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और इस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ, उससे बौखलाई सरकार ने, आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द की। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा पीड़ादायक क्षण है और लोकतंत्र की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे वो हमारे बापू रहे हों, चाहे सरदार पटेल रहे हों, चाहे पंडित नेहरू रहे हों, चाहे सुभाष बोस रहे हों, और चाहे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शहीद रहे हों, इन लोगों के संघर्ष से जो हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और जो इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, वो लोकतंत्र को खतरा इस सरकार ने पैदा कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर पुनः एक बार राष्ट्रव्यापी आंदोलन पे है। आज हम लोग ये धरना कर रहे हैं, कल हम लोगों का राजीव गांधी जी की प्रतिमा के पास एक बड़ा प्रदर्शन है, और ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। ये न्याय की लड़ाई है, और जब तक इस देश में लोकतंत्र संविधान की रक्षा नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी सतत संघर्ष करेगी राहुल जी के नेतृत्व में।